तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग एंड जय माता दी। आज है नवरात्रि की शुरुआत और आज था चेरी का रिजल्ट। तो अच्छा रहा रिजल्ट, जितनी मेहनत हम लोगों ने की थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, पर हाँ ठीक है, बढ़िया है। सिक्स में आ गई है चेरी, तो बहुत खुशी है कि रिजल्ट आ गया। मैं सुबह से बहुत टेंशन में थी और धक 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 ऐसा हो रहा था कि क्या रहेगा क्या रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक रहा, बढ़िया रहा और सिक्स में आ चुकी है और आज इसकी बुआ भी आई हुई है। तो हम लोग जाएंगे मार्केट और फिर मिलते हैं आपसे मार्केट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। तो जी ये है दीदी चेरी की बुआ जो आई हुई है और ये सरप्राइज था जो कल आपको मैंने कहा था कि मैं कल मिलवाऊंगी इनसे। तो ये है दीदी। तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट, बस मार्केट से आने के बाद आपको मिलते हैं। कितने का दीदी ये वाला ले लो? और खजूर पाई वाली हो गई? एक ही खजूर पाई से। पूजा पाठ करने वाले हो दीदी? इतना सामान लेके कहाँ जाओगे? ये सारा सामान बहुत सुंदर है, अच्छा लगा है। मार्केट आए और ये फालूदा ना खाए, ऐसा कभी हो सकता है दीदी? है दीदी? आप लोग भी खा लीजिए बस मस्त फालूदा। जब भी मार्केट आते हैं ये फालूदा हम जरूर खाते हैं, बहुत यम्मी लगता है फालूदा। कैसा है दीदी? अच्छा है ना? निपट चुके हैं, पूरे काम हो गए हैं। जब तक हमारे पैसे का कम होता तब तक हम घूमते रहते हैं। अभी थोड़े से और बचे थे पर घर से फोन आ गया हमारे कि भाई क्या है तुम्हारे लोगों को, जितना तो होता उतना ही खर्च करके आ जाते हो, तो काम ही यही है। और बार्गेनिंग करो तो और मजा आता ही नहीं है हम लोगों को। बस खा लिए पी लिए चाटू लिए, चलो अगर बच्चे याद कर रहे हैं अभी तो बच्चों की और सुननी है। आज बहुत खुश है ये लड़की। लड़की तो क्यों खुश है बता जल्दी? आज ये बहुत लड़की खुश है और मेरा आते इसने हाल खराब कर दिया, बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। और हमने चाय पी ली मस्त चाय। ये पता क्यों खुश है? क्योंकि है ना आज ना इसका रिजल्ट आया एक तो, और दूसरी बात इसको है ना शाम को गोलगप्पे खाने जो कि इसके फेवरेट है, इसको बहुत पसंद है। तो गोलगप्पे खाएगी, गोलगप्पे खाके मोटी होगी, मोटी होगी। आज मेरा पता एक कुर्ता भी बन गया रेड कलर का, जो मैंने आपको परसों दिखाई थी ना शॉपिंग, उसमें से मेरा एक रेड कुर्ता था जो मेरा बन गया है। तो मैं अब वो लेने जाऊंगी और इस लड़की को देख, लड़की को देख। उसको छोड़, तू क्या कर रही है बता, यहाँ खड़ी होकर के दिन भर या 24 घंटे यहाँ पे खड़ी रहती है पागलों की तरह से। दादी आई थी और वो मेरे लिए इतनी बड़ी चॉकलेट आई थी। कितनी बड़ी? इतनी बड़ी लाई, इतनी बड़ी, इसके 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 मुंह के इतनी चॉकलेट लाई। मुकुल चाचा भी सुनेंगे नहीं, मुकुल चाचा भी सो रहे हैं। नहीं अभी उठ गए। इस लड़की को वो चॉकलेट खानी है, उनकी आवाज आई है। इसका चॉकलेट जैसा मुंह देख लो पहले, इसको चॉकलेट खानी है, दांत देखो इसके, चॉकलेट खाने। ये है हमारा घर जहाँ से हम आवाज लगा सकते हैं, पर अभी कोई नहीं सुन रहा है और इसको खाने है चॉकलेट। क्या फोन करके बोलूं? कल तो कुछ कुछ शॉपिंग करके लाए थे, आज भी कुछ कुछ लाए हैं, पर आज थोड़ा सा जो कर्चियां वगैरह होती है वो लाई हूँ और स्पून स्टैंड लेकर आई हूँ, थोड़ी सी का ज्वेलरी। तो सुबह सुबह कहाँ गई थी ना? सुबह कहाँ लेके गई क्या? अरे यार आज मैं ट्रेन में आज मैं इतने सालों बाद ट्रेन में बैठी ना, बता रही हूँ इतने मजा है, इतने जनरल डब्बे में सफर करो। अबे ट्रेन में काहे के मजे होते हैं? अबे जनरल डब्बे में सफर कर, इतने मस्त कैरेक्टर मिले। उसमें कैसे कैसे बदबू आती है, कोई सिगरेट पी रहा, कोई थूक रहा, और ऐसे लोग रहते हैं। मॉर्निंग में तो रश कम था तो ठीक था, बट जनरल डब्बे में मजा मेरे को बहुत आया। मजा आया जनरल डब्बे में, मजा आ गया इनको तो भैया। मैंने इतने सालों बाद बैठी थी, आज जनरली वॉल्वो या बस इसी से ट्रैवल करते हैं, बट उसमें तो भाई मैं बता रही हूँ, पर पहले तो वो टकली लेके, मैंने कहा ये जरूर ख्वाजा गाएगा, पर उसने ख्वाजा नहीं गाया, उसने माता गाया।
ख्वाजा मेरे ख्वाजा प्रिंग, आते हैं प्रिंग, हर साल प्रिंग। नवरात्रि माता के आए नवरात्रि माता के वो ट्रेन में आते ना वो झाड़ू लगाने वाले फिर वो गाने बजाते हैं गाने बजाते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था उसमें वो नवरात्रि वाला आया उसको दे दिए पैसे वैसे फिर वो गया उसके बाद एक ऐसी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मेरे को दिखी भाई एक लड़की थी उस थर्ड क्लास टाइप नहीं होते उस टाइप की थी माता के यहाँ फिर क्या हुआ रे फिर भाई वो सी टाइप लेडी जो उसने पूरे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई वो सब जो देख रहे उसको बोले अधिक रह के पागल है एक आदमी से उलझ गई मतलब अजमेर से फुलेरा था वो ठीक थी जींस टॉप पहन के घूम रही थी ना जींस टॉप पहन के घूम सही है फालतू लोगों से लड़ रही जबरदस्ती उलझ रही ए चाय वाले ये हमको बात करने देता है ये लोग लड़ रहे हैं उसका देख मूंगफली वाला है ए मूंगफली ला ला साले ला किसको होता तेरी मामन को भी ऐसे परेशान कर रहा है मेरे को तो पुलिस वाले ने पूछा कौन से जिले से बोले अरे पढ़ी लिखी नहीं हो पता नहीं कौन से जिला मैं उसको चीज करी पुलेरा पुलेरा देखो मेरे नेल्स कलरफुल नेल्स वैसे मेरे बड़े भी नेल्स नहीं है छोटे रहते हैं तो इसी के साथ आज का व्लॉग हम यही समाप्त करते हैं अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए सब्सक्राइब करिए और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आकर के सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्लॉग देखते रहिए तब तक के लिए बाय बाय मिलेंगे नए वीडियो में तब तक बाय बाय